इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बुरी खबर आई है। इंग्लैंड में मौजूद भारत के 23 खिलाड़ियों वाले दल में से एक खिलाड़ी के COVID-19 पॉजिटिव पाए जाने की खबर है, जबकि एक खिलाड़ी पॉजिटिव आने के बाद नेगेटिव आ गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद से 20 दिन के ब्रेक पर थे, लेकिन अब एक खिलाड़ी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद वो गुरुवार को टीम के साथ डरहम नहीं जाएगा। इस खबर का खुलासा तब हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने यूके में COVID-19 केसेस बढ़ने के बाद भारतीय टीम को एक वार्निंग मेल भेजा। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी गुरुवार को अलग अलग डरहम पहुंचेंगे, जहां पर खिलाड़ियों को बायो बबल में शामिल किया जाएगा। BCCI के एक सूत्र ने PTI को बताया, हाँ एक खिलाड़ी पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन अब उसमें किसी भी तरह के लक्षण नहीं है। अब वो एक परिचित के यहाँ क्वारंटीन है और टीम के साथ गुरुवार को डरहम नहीं जा रहा है। इंग्लैंड का दौरा करने वाले भारतीय दल ने उस खिलाड़ी का नाम नहीं बताया है, लेकिन मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक पॉजिटिव पाए जाने वाले खिलाड़ी ऋषभ पंत हो सकते हैं। यूके में इस समय कोविड के डेल्टा वेरिएंट के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में खिलाड़ियों का खुले में घूमना खतरनाक हो सकता है। क्रिकइन्फो की खबर के मुताबिक जय शाह ने भारतीय दल को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा गया है कि खिलाड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन आपको इस वायरस से सिर्फ प्रोटेक्शन देती है, लेकिन भविष्य में कोविड ना होने के खतरे को नहीं डालती। जय शाह ने खास तौर पर अपनी चिट्ठी में खिलाड़ियों से विंबलडन और यूरो चैंपियनशिप के मैचों के लिए जाने से मना किया है। भारतीय दल लंदन से डरहम एक साथ नहीं जा रहा है, सभी खिलाड़ी अकेले अकेले डरहम पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर खिलाड़ियों को क्वारंटीन होना होगा या सभी खिलाड़ी एक साथ बायो बबल में जाएंगे, इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। ये खबर ऐसे वक्त पर आई है जब चंद दिनों बाद भारतीय टीम को एक वार्म अप मैच खेलना है। BCCI के निवेदन पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 20 से 22 जुलाई के बीच काउंटी चैंपियनशिप 11 टीम के साथ भारत का एक वार्म अप मैच तय किया है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम 4 अगस्त से इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज करेगी। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी विपिन ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।